अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या खुदा न खास्ता कहीं गुम हो जाता है तो आपने अपने मोबाइल को कैसे तलाश करना है। इस सिलसिले में मोबाइल की कुछ सेटिंग करनी है और वो मोबाइल ख़ुद ही आपकी हेल्प करेगा और आपका मोबाइल इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो आपने करना क्या है, इस वीडियो में आपको आज यही बताने वाला हूँ। आपने प्ले स्टोर में जाना है मोबाइल की, और मोबाइल की प्ले स्टोर में लिखना है फाइंड माई डिवाइस। फाइंड माई डिवाइस लिखना है तो ये एक एप्लीकेशन यहाँ पे गूगल की आ जाएगी जिसका नाम है गूगल फाइंड माई डिवाइस। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है मोबाइल में और इसको मोबाइल में ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ कुछ सेटिंग आ जाएंगी, ठीक है। आपने सेटिंग में जाना है और इस तरह का इंटरफेस आएगा उसका। फर्स्ट तो आपको ये पूछ रहा है कि कंटिन्यू एज गूगल अकाउंट, तो आपने इसमें अपना कोई गूगल अकाउंट दे देना है। गूगल अकाउंट दे के इसमें साइन इन कर लेना है। जैसे ही आपने साइन इन करना है, ठीक है, तो ये देखें ऑटोमेटिकली वो आपकी डिवाइस को, आपके मोबाइल को बता देगा कि आपके पास इस टाइम कौन सी मोबाइल चल रहा है, डिवाइस का नाम क्या है। ये देखें मेरे पास वीवो V2029 है, तो इसने डिटेक्ट कर लिया ऑटो पे, ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। और आपकी लोकेशन मोबाइल की उस वक्त ऑन होनी चाहिए। आप अपनी ये देखें, ये आपकी मोबाइल लोकेशन जो है ये मस्ट ऑन रहनी चाहिए। और अगर आप कहीं सफ़र पे जाते हैं तो इसको ऑन करके रखें। जब तक आपकी लोकेशन ऑन नहीं होगी आपकी डिवाइस, आपका मोबाइल डिटेक्ट नहीं हो सकता, आपको पता नहीं चल सकता कि आपका मोबाइल इस वक्त कहाँ मौजूद है। तो दोस्तों जैसे ही इसमें आप साइन इन करेंगे ये आपको बता देगा, ये देखें ये लोकेशन शो कर रहा है मेरी और मोबाइल बन के आए हुए, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये तो ये मेरी लोकेशन शो कर रहा है कि ये फलां जगह पे आपका मोबाइल चल रहा है। मोबाइल का नाम है वीवो, कंपनी वीवो है और इसका मॉडल है 2029 इसका मॉडल है। और उसके बाद जनाब सेटिंग में आपने आपको जो बता रहा है कि अगर आप कहीं मोबाइल के करीब तरीन हैं तो आप प्ले साउंड पे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल बाज उठेगी और लाउड आवाज़ में इतनी आवाज़ आएगी कि आपको पता चल जाएगा। ये देखें मैं प्ले साउंड पे क्लिक करता हूँ तो आप देखना कि ये मोबाइल में जैसा कि आपने सुना कि इसने लाउड आवाज़ में टोन को बजा दी, मोबाइल की रिंग टोन बजने लगी। अगर आपका मोबाइल साइलेंट पे भी होगा ना तो ये लाउड आवाज़ में आपकी रिंग टोन बजा देगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल कहाँ पे पड़ा हुआ है, किसके पास है। इसके बाद है जी सिक्योर डिवाइस। सिक्योर डिवाइस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी डिवाइस लॉक हो जाएगी और उसको लॉक नहीं खुलेगा जब तक कि आप खुद उसका आपको मिल नहीं जाती। तो आप सिक्योर डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये आपको कह रहा है कि दो सेटिंग बता रहा है। इसमें आपने लिखना है, एक मैसेज टाइप करना है कि जिस बंदे को आपका मोबाइल मिले उसके लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप करना है और नीचे अपना कोई ऐसा नंबर दे देना है जो कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो इस पर आपने लिखना है कि प्लीज़ कॉल ऑन दिस नंबर ये लिख के ना, तो नीचे इधर एक नंबर लिख देना, कोई भी इधर XYZ इधर कोई नंबर लिख देना है जिससे वो बंदा आपको अप्रोच कर सकता है जिसको ये आपका मोबाइल मिल गया है। तो वो जैसे ही लॉक पे जाएगा, ये देखो सिक्योर डिवाइस में मैं क्लिक करता हूँ तो ये लॉक हो जाएगी। और ये देखें अब मेरी डिवाइस लॉक हो, मैसेज ऊपर आ गया। ये देखिए इस तरह का मिसाल ऑन दिस नंबर, नीचे जो मैंने नंबर दिया हुआ है, ठीक है, आप इस पर डायलर पे क्लिक करेंगे तो वो नंबर मिला देगा आपके मोबाइल से। ये देखें और वो बंदा आपको अप्रोच कर सकता है, बता सकता है कि भाई आपका मोबाइल फलां जगह पे गिरा हुआ था, मुझे मिला है या फलां बंदे के पास था तो ये मुझे मिला है और ये अपना आके मोबाइल ले जाए। और जब तक ये आप खुद अनलॉक नहीं करेंगे ये किसी बंदे से भी मोबाइल अनलॉक नहीं होगा, इसको ये ऑटो पे पासवर्ड लग जाएगा, ठीक है। ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने ये सेटिंग को अप्लाई कैसे करो कि जो डिवाइस की लोकेशन है वो ऑलरेडी ऑन होनी चाहिए, परमानेंट ऑन रहनी चाहिए। तो अब आपका मोबाइल लॉस हो गया, आपने इसको ढूंढना कैसे है, आप किसी भी दोस्त से किसी भी ऐसे बंदे से मोबाइल ले लेंगे कि जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल हो, आपने फ़ौरन जाना है उसी वक्त और उसके पास नेट होना चाहिए, वाईफाई या इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए। आपने फ़ौरन उसके मोबाइल में ये एप्लीकेशन जो है फाइंड माई डिवाइस, ये जो आपके सामने पड़ी हुई है, इसको इंस्टॉल कर लेना है और वही आईडी जो आपने इसमें लगाई थी वो आईडी लगा के तो उसमें उसके मोबाइल से साइन इन कर लेना है। जैसे आप साइन इन करेंगे, ठीक है, उसके मोबाइल से तो फ़ौरन ही आपकी मोबाइल की लोकेशन शो हो जाएगी कि आपका मोबाइल इस जगह पे चल रहा है। तो और एप्लीकेशन आपने उस मोबाइल में करनी है जो किसी आपका दोस्त कोई साथी या आप अगर मोबाइल आपके पास अवेलेबल नहीं है और आप लैपटॉप से जाना चाहते हैं तो आप उन्हें ब्राउज़र में जाना है। जैसे ये गूगल क्रोम का ब्राउज़र है, आपने गूगल में लिखना है फाइंड माई डिवाइस आपने गूगल में लिखना है फाइंड माई डिवाइस, ये लिखना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। ये वही सेम वेबसाइट आपको निकाल के दे देगी। ये देखें गूगल में आ गई, ये लोकेशन आ गई, ठीक। मेरी जो ईमेल आईडी है वो ऑलरेडी इसमें गूगल में रजिस्टर्ड थी, मैंने ऑलरेडी लगाई हुई थी, तो ये देखें मेरी लोकेशन फ़ौरन ही शो हो गई, ये पाकिस्तान आ गया। एक्यूरेट 22 मीटर बता रहा है फासला भी कि आपकी 22 मीटर पर आपका ये मोबाइल अवेलेबल है,
और मजीद अगर आप इसकी सेटिंग देखना चाहते हैं, ठीक है, ये अब आपकी लोकेशन अगर मोबाइल की आन होगी तो ये देखें इसने खुद ऑटो पे सर्च किया, वरना ये जो तीर का निशान नीचे इस पर आप क्लिक करेंगे रिफ्रेश पे तो फौरन ही बता देगा कि ये देखें आपकी मोबाइल, ये पार्क साथ बता रहे, ये मॉस्क साथ बता रहे और ये आपकी मोबाइल जो है ना ये जहाँ पे चल रहा है। तो आप इसको इजीली लोकेट कर सकते हैं कंप्यूटर के जरिए भी। कंप्यूटर में आपने गूगल में जाके फाइंड माई डिवाइस लिखना है तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उसमें आपने अपनी वही आईडी देनी है जो आपने मोबाइल में आईडी लगाई हुई थी, ईमेल आईडी। तो जैसे वो आप इसमें लगाएंगे तो आपकी जो शो हो जाएगी आपकी मोबाइल की लोकेशन, यहाँ से आपको प्ले साउंड पे क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल बजने लगेगा। सिक्योर डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका लॉक लग जाएगा। और अरेज डाटा पे, अरेज डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का जो सारा डाटा है, जो पर्सनल चीज़ें हैं, वो सारी अरेज हो जाएंगी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। तो दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, खुदा न खाता किसी का भी मोबाइल जब गुम होता है तो वो उसके लिए बहुत परेशानी बन जाती है। तो काइंडली जिस वीडियो शेयर करें और उनको बताएं कि भाई आप अपना खोया हुआ मोबाइल, चोरी शुदा मोबाइल आप कैसे ढूंढ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।